ठीक ना, इधर ध्यान से, ट्राइंगल रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आयत को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आयत नहीं है ये हटा दिया हमने, आयत नहीं है हटा दिया, दोनों का कॉमन क्या है 18, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे, फटाफट से बनाइएगा दोस्तों। ये देखिए इसका आंसर 18 ही था, ये आपके NTPC का ही पेपर है दोस्तों ऑलरेडी, तो इस तरीके के प्रश्न आपको CBT 2 में भी जरूर देखने को मिलने वाले हैं। चलिए आप इसको करते हैं फटाफट से, बनाइए क्या बनने वाला है। देखने पर ऐसा लग रहा है दोस्तों अगर इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 61 बनेगा, तो ये हो रहा है डिवाइड बाय 2 माइनस 2, ये तो डिवाइड बाय 2 होगा ही नहीं। ठीक है, तो पीछे से चलते हैं एक बार, देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। ये हो रहा है इंटू 2 प्लस 2, ये हो रहा है इंटू 2 प्लस 3, ये हो रहा है इंटू 2 प्लस 4, सही है। तो ऐसे ही चलो इसको इंटू 2 प्लस 1, ये चलेगा यहाँ पर, ऐसी संख्या जिसको इंटू 2 करने पर और फिर प्लस 1 करने पर ये संख्या बन जाए, तो 6 × 12 प्लस 1 13, पीछे से अगर आप देखेंगे तो 6 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। सभी बच्चे जल्दी से एक बार थम्सअप कर देंगे और शेयर कर देंगे गाइस। ठीक है सर, आज मेरा IBPS ESI का पेपर है, आशीर्वाद दे दो। बिल्कुल है भाई, हमेशा है और हमेशा रहेगा। ठीक है, मस्त रह के और आराम से रिलैक्स होके देने जाना भाई पेपर, है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने, डू फास्ट, क्या बनेगा। -3 -3 -3 कितना होगा दोस्तों, 7 में से 3 जाएगा, जल्दी से बता दो, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 पे आता है डी, ई वाले तो हमारे आंसर होंगे नहीं, डी वाला आंसर होगा। UVW तो अगला आ जाएगा एक्स, और डी और एक्स एक ही ऑप्शन में है, तो फटाफट से टिक करो और आगे चलो। ठीक है, क्लियर है गाइस, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला बताइए, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाला तीसरा क्रिकेटर बना था। तीसरा क्रिकेटर बोल रहा है, पहला दूसरा फिर तीसरा बोल रहा है इंटरनेशनल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 छक्के लगाने वाला तीसरा क्रिकेटर कौन है, देखते हैं क्या आंसर आता है आपका। युवराज सिंह तीसरे क्रिकेटर थे, पहले थे हर्षल गिब्स, दूसरे थे युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग जी ने तो लगाए ही नहीं, हर्षल गिब्स पहले थे, युवराज सिंह, फिर थर्ड है कायरन पोलार्ड। ठीक है, पोलार्ड ने भी 6 छक्के लगाए थे भाई साहब, याद रखिएगा। तो तीसरा पूछ रहा है उसने, 6 छक्के लगाने वाला तीसरा प्लेयर कौन था इंटरनेशनल क्रिकेट में, पोलार्ड। चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सब्जियां गाजर खाद्य सामग्री। ठीक है, देखिए सब्जियां जो है वो खाद्य सामग्री में तो आएगा ही सरी, और गाजर जो है सब्जी के अंतर्गत भी आएगा, है ना दोस्तों। फटाफट से बताएंगे क्या आंसर बनेगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इस प्रश्न का आंसर भी डी ऑप्शन है। ठीक है, और डी कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड वाले में दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट, राफ्टिंग का पानी से जो राफ्टिंग किस में होती है भाई, पानी में होती है, है ना, ऑब्वियस ही बात है, राफ्टिंग किस में होती है, पानी में होती है। तो स्केटिंग होगा मेरे हिसाब से, सही नहीं लिखा है इन्होंने, स्कीइंग ही लिखा हुआ है, चलो स्कीइंग इज रिलेटेड टू, ज्यादा आपको स्केटिंग किस में होता है, बर्फ में होता है, स्कीइंग किस में होता है भाई, बर्फ में होता है, आइस में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अब ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको निर्णय लेना है, है ना, आपको एक डिसीजन लेना है, कहने का मतलब ये है, देखिएगा इधर ध्यान से, एक कथन दे रखा है और एक निर्णय लेने के लिए आपको बोल रहा है कि इससे रिलेटेड क्या आप डिसीजन लेंगे, क्या आप निर्णय लेंगे, क्लियर है, ध्यान से देख लेना अच्छे से। क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम स्ट्रीम के चुनाव को लेकर छात्र असमंजस की स्थिति में है। उच्च शिक्षा के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम की क्या हम स्ट्रीम लें, कौन सा कोर्स हम लोग चूज करें, इसको लेकर स्टूडेंट्स जो हैं वो असमंजस की स्थिति में हैं, मतलब उनको डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हायर एजुकेशन के लिए हम क्या कोर्स लें। ठीक है, उनकी पसंद पर निर्णय लेते समय, क्या लिखा हुआ है, उनकी पसंद पर निर्णय लेते समय उनकी रुचियों
योग्यताओं और दक्षताओं पर विचार करें। ऑब्वियसली बात है, आखिर एक स्टूडेंट के पास क्या योग्यताएं हैं, ठीक है, किस चीज़ में उसकी रुचि है, क्या वो सोचता है समझता है और क्या क्वालिफिकेशन है उसकी, कितने मार्क्स वो एबल है कि नहीं है, जो भी कोर्सेज वो लेने जा रहा है, तो उसके बारे में आप ज़रूर ध्यान रखें। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, शिक्षा और करियर काउंसलिंग से मार्ग, बिल्कुल सही बात है, जो करियर काउंसलर्स हैं उनसे आप मार्गदर्शन ले सकते हैं गाइस, है ना, तो दोनों ही क्या होंगे, सही हो जाएंगे, बोथ फॉलो, दोनों ही डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। या तो आप अपनी रुचियों को देखें, योग्यता को देखें, उस पर विचार करें, और या फिर आप जो है इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, करियर काउंसलर्स के पास भी जा सकते हैं। तो ये देखिए, बोथ फॉलो। अगला प्रश्न, बैटल, बैटल, बैटल का कोड दे रखा है दोस्तों आपको, टैबलेट, जल्दी से करेंगे गाइस। टैबलेट का क्या बनने वाला है, देखिए ई यहां पर है, एल यहां पर है, ए यहां पर है, बी यहां पर है, तो मेरे हिसाब से ये वाला टी हो सकता है, नहीं, अब ये टी कौन सा वाला टी है ये तो वक्त ही बताएगा, ये वाला टी है या कोई दूसरा टी, वो वाला टी है, ठीक है, सॉरी सॉरी यार, ये लिखा हुआ है भाई साहब, इसको तो ये लिखा हुआ है डब्ल्यू टी, डब्ल्यू टी डबल एस के एल, ये लिखा हुआ है, तो चलिए इसको चलते हैं एक बार चेक करते हैं, इसको फटाफट से देखते हैं, डब्ल्यू टी डबल एस ही लिखा हुआ है ना, सही है, बैटल को लिखा हुआ है डब्ल्यू टी डबल एस के एल, ये उल्टा लिख दिया है क्या इन्होंने, क्योंकि नीचे आंसर तो उसका दे रखा है, आंसर तो नीचे वो उसका दे रखा है भाई साहब, इन्होंने टैबलेट के लिए पूछ रहा है, सही है, बी आंसर दे रहे हो आप लोग, क्या लॉजिक लगाएंगे यहां पर, क्या लॉजिक लगाएंगे गाइस, यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि नौ पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाए, है ना, ये भी हो सकता है कि नौ पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन हो, क्योंकि यहां पर देखो टी के लिए एस, टी के लिए एस, अगर कोई लॉजिक इसके अंदर नहीं चल रहा सपोज करो, क्योंकि सारे के सारे लेटर जो हैं इस वाली बैटल की स्पेलिंग में से आ रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखें तो सारे के सारे, ठीक है, बैटल की स्पेलिंग में आ रहे हैं गाइस, अब बैटल की स्पेलिंग में आ रहे हैं, तो टी का कोड दे रखा है आपको एस, है ना, ए का कोड आपको दे रखा है टी, बी का कोड डब्लू, तो एस टी डब्लू तो यही है, एल का दे रखा है आपको के, ई का दे रखा है एल, और फिर टी का दे रखा है एस, तो बिल्कुल बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये कोई पैटर्न चल ही नहीं रहा, ये नौ पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है, नौ पैटर्न का मतलब होता है जो जिसके नीचे लिखा हुआ है वही उसका कोड, ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स किसके लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, बहुत बार आपने यूज़ किया होगा इस शॉर्ट की का, इस शॉर्ट की का तो बहुत बार आपने इस्तेमाल किया होगा, कंट्रोल प्लस एक्स किसके लिए करते हो आप, याद करो, कंट्रोल एक्स किसके लिए करते हो, जल्दी से बताओ फटाफट से, यहाँ पर दे रखा है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को तिरछा लिख करने के लिए, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, वो तो कंट्रोल एक्स तो आप कट करते हो ना एक तरीके से, कट करने के लिए, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए, तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों, डी ऑप्शन बन जाएगा आपका आंसर, कंट्रोल किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए, बिल्कुल सही है, बनाइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन गाइस फटाफट से, डू फास्ट, बनाओ जल्दी से, बनाओ फटाफट से, क्या आंसर आएगा इसका, बिल्कुल सही है, कट करने के लिए, बिल्कुल सही था, चलिए इस प्रश्न को करिए, सम कोट्स आर टेबल्स, नो टेबल इज चेयर, कोई भी टेबल चेयर नहीं, ये कोट है, सम कोट्स आर टेबल, नो टेबल इज चेयर, ओनली सम कोट्स आर चेयर, केवल कुछ चारपाई कुर्सियां हैं, ओनली सम कोट्स आर चेयर, क्या इस डायग्राम में कोट्स चेयर है क्या, नो चेयर इज अ
नो चेयर इज अ टेबल, नो चेयर इज अ टेबल, चारपाई लिखा हुआ है यहाँ तो बल्क कुछ और ही कर दिया यहाँ पे, नो चेयर इज अ, इसको सही कर लेना, कोट कर लेना, नो चेयर इज अ कोट, बताओ, कोई कुर्सी चारपाई नहीं है, कोई भी कुर्सी चारपाई नहीं, कोई भी कुर्सी चारपाई नहीं, उसने बोला था ओनली सम कोट्स आर चेयर, तो वैसे ही रॉन्ग, नो चेयर इज कोट, कोई भी चेयर कोट नहीं है, इस डायग्राम में चेयर कोट नहीं है, पर इस डायग्राम में तो है, तो ये भी रॉन्ग, नो कोट इज अ चेयर, कोई भी कोट चेयर नहीं है, ये हो गया वापस से, ये भी रॉन्ग, तो आंसर बनेगा नन फॉलो, कोई भी अनुसरण नहीं करता, कोई भी अनुसरण नहीं करता है, नन फॉलो आंसर आना चाहिए, क्या आंसर आएगा, नन फॉलो। अब यहाँ पर तुम आइदर और मत लगा देना भैया, है ना, थोड़ा ढंग से और आंखें खोल के देख लेना, यहाँ ओनली से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्टली सम होता तब कुछ सोच सकते थे, सम और नो के प्रोसेस में लगता है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बनाइएगा। डायलअप कनेक्शन में आपके कंप्यूटर को भौतिक रूप से फोन लाइन से जोड़ने के लिए इसमें से आप किसका प्रयोग करते हो? यार ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए और आप लोगों ने किया भी है, डायलअप कनेक्शन को सीधा फोन आपके कंप्यूटर को जोड़ने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो? इथरनेट का, हब का, मल्टीप्लेक्सर का या मॉडेम का? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आया है, ठीक है ना, याद रखिए। ऑब्वियस ही बात है, आप घर पर भी तो मॉडेम लगाते हो, लगाते हो ना मॉडेम, उस मॉडेम का क्या करते हो, एक वायर आपके कंप्यूटर से रिलेटेड होता है या आपके सिस्टम से जो भी आप चला रहे हो, और एक से इंटरनेट आ रहा होता है ना, फोन लाइन जुड़ी हुई होती है। चलिएगा नेक्स्ट, आगे चलेंगे, चयन अभ्यास क्या बनाएंगे इसके हिसाब से प्रोसेस। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बताओ आप क्या होगा गाइस, सबसे पहले किसी भी चीज़ का ऑडिशन होगा, ट्रायल, कि आपको कितना आता है, ठीक है ना, उस ऑडिशन के बाद, ऑडिशन होने के बाद में सिलेक्शन प्रोसेस चालू, सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब ऑडिशन हो गया, सिलेक्शन होगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस में लग जाओगे, प्रैक्टिस में लग जाओगे आप, ठीक है, अभ्यास करोगे बढ़िया सा, बहुत सारा अभ्यास करोगे, और अभ्यास करने के बाद में जब भी आपको मंच पर प्रदर्शित करना होगा उससे पहले रिहर्सल करोगे और फिर आप स्टेज पे परफॉर्मेंस दोगे। तो पहले ऑडिशन दोगे, सिलेक्शन होगा, फिर प्रैक्टिस में लग जाओगे, फिर जो आपकी फाइनल आपकी परफॉर्मेंस है स्टेज परफॉर्मेंस, उससे पहले आप रिहर्सल करोगे और फिर फाइनल परफॉर्मेंस दोगे। तो CABED होना चाहिए गाइस, क्या होना चाहिए, CABED, कितने लोगों का सही है, कितने लोग ये लॉजिक लगा पाए, ध्यान से देख लो, ऐसे प्रश्नों का क्रम आएगा, और एक भी क्रम आपका इधर उधर हो गया ना तो दोस्तों वो चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है, ये देखो आप, तो प्रैक्टिस करना चालू कर दो। देखो इधर फटाफट से, यहाँ पर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण जल्दी से बता दो फटाफट से, कंप्यूटर के क्वेश्चन देख रहे हो, एक ही पेपर में कितने सारे हैं, तीसरा प्रश्न है कंप्यूटर का जो आपके एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी, मैग्नेटिक टैप जी नहीं, हार्ड डिस्क जी नहीं, ऑप्टिकल डिस्क जी नहीं, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, रैम जो है किसमें आती है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में, ठीक है ना, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क वगैरह ये सब आती हैं, ठीक है, रैम याद रखिएगा, रैम होता है प्राइमरी एक्सेस मेमोरी, ठीक है, और रोम जो होता है वो होता है राम नहीं रैम। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, सही कह रहे हो, राम की स्पेलिंग भी आ रहे हैं, चलिए बनाइए फटाफट से, बताइए, तीन के तुरंत बाद तीन आता है, अच्छा ठीक, पहले लेकिन तीन नहीं आता है, तीन के तुरंत बाद तीन लेकिन पहले तीन नहीं, तीन के तुरंत बाद तीन लेकिन पहले तीन नहीं, तीन के तुरंत बाद तीन लेकिन पहले तीन नहीं, तीन के तुरंत बाद तीन लेकिन पहले तीन नहीं, तो दो ही बनेंगे, ऐसे कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, दो ही बनेंगे भाई साहब, तीन के तुरंत बाद तीन लेकिन पहले तीन नहीं, यहाँ पे तीन आ रहा है, और कोई भी एक है, देखो ध्यान से, तीन के तुरंत बाद तीन लेकिन पहले तीन नहीं, अच्छा हाँ तीन हो गए ना, सॉरी 1 2 3, हाँ सही है,
तीन हो गए, तीन गिने अपन ने, तीन ही है काउंट यहाँ पर, दो कर रहे हैं फिर। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ये फोटोग्राफ है, इसकी तरफ इशारा हो रहा है, किसका? सुमित का। बनाओ, क्या कह रहा है सुमित? देखो ये तस्वीर है, ये फोटोग्राफ है, हमें नहीं पता ये मेल की फोटोग्राफ है या फिर जो है फीमेल की फोटोग्राफ है, हमें नहीं पता, बस ये फोटोग्राफ है और इसकी तरफ सुमित इशारा कर रहा है। और क्या कह रहा है कि तस्वीर में मौजूद आदमी, अभी आदमी है तो ये मेल हो जाएगा, तस्वीर में मौजूद आदमी मेरी सास, अब इसकी सास कौन बनेगी? इसकी जिससे शादी हुई होगी उसकी जो माँ होगी वो होगी सास। तस्वीर में मौजूद आदमी मेरी सास, ये मेरी सास, ये सास हो गई, उसका ससुर, अब उसका उसका पति और उसका जो पिता होगा वो हो जाएगा ससुर। तस्वीर में मौजूद आदमी मेरी सास का ससुर है, यानी ये व्यक्ति यहाँ आ गया, फोटोग्राफ वाला पर्सन यहाँ आ गया। तो तस्वीर में मौजूद आदमी का सुमित की पत्नी से क्या अगर सुमित की अगर पत्नी है तो सुमित पति हो गया, ये भी हो गए पति पत्नी। तस्वीर में मौजूद आदमी का सुमित की पत्नी से क्या संबंध? तो इस पत्नी के पापा, पापा के पापा, तो ये हो गए दादा। कौन हो गए दादा? ये पी जो है ना, ये सुमित की पत्नी का दादा हो गया। कौन हो गया? दादा, ग्रैंडपा। कौन हो जाएंगे गाइस? ग्रैंडपा दादा हो गए। चलिए बनाओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया संगीता, बहुत बढ़िया आशीष, मनोज, राजेश्वरी, नीतू, आलिशा, के एम, श्वेता, आकाश, मुकेश, ठीक है, हिमांशु, रजनीश, सुदामा, अमित सिंह, सभी लोगों का बिल्कुल सही है डी ऑप्शन, मोहम्मद असीम। चलिए बनाइए बनाइए बेटा, जल्दी से बनाइए। एक्स के बाद टी यू वी प्लस थ्री, सॉरी माइनस टू, माइनस टू माइनस टू वाला लॉजिक चल रहा है, माइनस टू माइनस टू माइनस टू अगेन माइनस टू करेंगे तो पी से आंसर स्टार्ट होगा, एकमात्र ऑप्शन है पी के, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, चार में से तीन समान है, वह है कौन सा है जो अलग है? ठीक है, ध्यान से और सोच समझ के जवाब देना दोस्तों इसका, ठीक है, ध्यान से देखो। कुर्सी, डेस्क और मेज, कुर्सी, डेस्क और मेज, ये अलग हो गई, पंखा तो ऊपर होगा, ठीक है, पंखा अलग हो गया भाई, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वो। नेक्स्ट आगे देखेंगे कौन सी इक्वेशन ऐसी है जो सही होगी। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक तरीके से अपन कह सकते हैं टाइम टेकिंग क्वेश्चन से, और मैं आपको पर्सनली एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि कौन सा होगा, लेकिन आप फिर भी लास्ट से ही चेक करना जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, जोड़ बाकी गुणा भाग वाले। तो देखिए CBT 2 का एग्ज़ाम दे रहे हो आप, थोड़ा सा मानसिकता सोचो, वो चाहेगा कि आप क्वेश्चन ही कम अटेंड करो। एग्जामिनर क्या चाहता है मतलब बड़े एग्जाम्स के अंदर या मेंस का एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर, कि क्वेश्चन कम अटेंड हो, ठीक है, क्लियर है? तो देखिएगा इधर आप लास्ट से चेक करना, क्योंकि ऊपर से वो टाइम वेस्ट करवा सकता है, आप लास्ट से चेक करिएगा एक बार क्या बनने वाला है। 7 लेस देन का मतलब क्या? लेस देन का अर्थ है माइनस, 18 प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है डिवाइड बाय 2, फिर आगे कैप, कैप का अर्थ दे रखा है आपको मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 12, सॉरी ये मल्टीप्लाई बाय 12, फिर ग्रेटर का मतलब है प्लस, 3 और माइनस का अर्थ है इक्वल, इक्वल टू, लेस देन का अर्थ है माइनस 100, ठीक है, ग्रेटर का अर्थ है प्लस। चलो सोल्व करते हैं, 9 बार, 12 नाम का 108 हो गया, 10 तो ये 98 आ गया, माइनस का 98 आ रहा है और ये भी माइनस का 98 आ रहा है, दोनों में 98 आ रहा है गाइज़। ये देखिए डी ही आंसर आ गया आपका भाई, से क्या आंसर आ गया दाइज? डी ही आपका आंसर आ गया, ये देखिए आप डी ही आंसर। मैं वही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आपके मेंस के या अच्छे लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उनमें वो चाहता है एग्जामिनर की मानसिकता होती है, ठीक है, कि वो आपको कम दे। चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करेंगे। आरी का लकड़ी से वही संबंध है तो चाकू का किससे होगा, बताइए। आरी का लकड़ी से, लकड़ी को आप किससे काटते हो? आरी से काटते हो, तो चाकू का क्या होगा बताओ? आरी का संबंध लकड़ी से है तो चाकू, बताओ भाई साहब
लकड़ी को काटने के लिए आरी का प्रयोग किया जाएगा, तो सब्जियों को काटने के लिए चाकू का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे फटाफट से, सर्किल जो है वो स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को दर्शा रहा है, स्क्वायर जो है वो ग्रेजुएट लोगों को दर्शा रहा है, ट्राइंगल जो है आपका टीचर्स को दर्शा रहा है, और ये हॉनेस्ट पर्सन, ठीक है, हॉनेस्ट पर्सन को दर्शा रहा है आयत। तो उसने बोला है कौन सा भाग उन ग्रेजुएट्स, उन ग्रेजुएट्स स्नातकोत्तर या वो सॉरी स्नातकोत्तर जो है ना पोस्ट ग्रेजुएट, उन पोस्ट ग्रेजुएट लोगों शिक्षकों को दर्शाता है जो ईमानदार भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो ईमानदार भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो हॉनेस्ट भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो हॉनेस्ट भी हैं। सही है दोस्तों, ऑप्शन डी के अंदर ही डी दिया, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो हॉनेस्ट भी हैं, डी वाला। दो प्रश्न आए हैं ऐसे इस पेपर के अंदर। चलिए, चार में से तीन किसी तरीके से समान है, वह कौन सा है जो असंगत है। असंगत का चयन कीजिए, दुख क्रोध विचार और भय। दुख करना, क्रोध करना, डर लगना, विचार, क्या होगा? देखिए, दुखी होने पर भी एक्सप्रेशन होगा, क्रोध करने पर भी एक एक्सप्रेशन होगा, भय करने पर भी फेस का एक्सप्रेशन चेंज होगा, लेकिन विचार करना तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि उसमें एक्सप्रेशन चेंज हो। आप सोच के देखिए, फेस के एक्सप्रेशन हो सकते हैं, दुख व्यक्त करोगे एक्सप्रेशन आएगा, क्रोध, भय, ठीक है, लेकिन विचार करने पर फेस का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा। तो विचार अलग हो जाना चाहिए, किसी चीज़ का आइडिया आना, विचार करना, ठीक है। बनाइए 18, के का मतलब क्या है, के का अर्थ है भाग लगाना। 18 डिवाइड बाय 6, जे का अर्थ क्या है, गुणा करना। 7, क्यू का अर्थ है जोड़ना। 5, और टी का अर्थ है घटाना 2। तो 6 × 18, 7 × 21 और 5 × 26 −2 24 आपका आंसर आ गया। ऐसे प्रश्न आ जाएँ तो मज़े ही आ जाएँ, है ना, लेकिन आएंगे नहीं, CBT 2 में बहुत कम ही देखने को मिलेंगे ये धमाकेदार प्रश्न। चलिए इसको करिए, क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, बिना पेन चलाए हुए कर सकते हो आप इसको। तो देखो, यहाँ पर 2 का गैप चल रहा है, यहाँ पर 3 का गैप चल रहा है, यहाँ पर 4 का गैप चल रहा है, यहाँ पर देखें तो 5 का गैप चल रहा है। 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23। फिर यहाँ पर देखें तो 6 का गैप चल रहा है, और यहाँ पर देखें तो 7 का गैप है, तो 23 आपका तो आंसर आ गया ख़त्म, है ना। 23 इज़ द करेक्ट आंसर, बिना पेन चलाए हुए कर सकते थे इस प्रश्न को। तो बनाइए दोस्तों, RQN को 53 लिखा हुआ है, ये एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न हो सकता है। RQN की वैल्यू 53 लिखी हुई है, ये 18 पे, ये 17 पे, और ये 14, तो 17 × 2 = 34 और 1 = 35, 35 और 14, 45 और 4, 45 और 4 49 हो रहा है, 49 प्लस 53 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सही है 17 17 15 51 49 हो रहा है, 49 तो हो ही रहा है, प्लस 4 अगर आप कर दें तो ये बन रहा है 53। चेक कर लेते हैं यहाँ पर SRF के लिए, 19 प्लस 18 प्लस 6 सही है, 18 × 36 और 7 एक तरीके से देखें तो 43 प्लस 4, अगर इसके अंदर भी प्लस 4 कर दें तो 47 आपका आंसर आना चाहिए इस हिसाब से। क्या आंसर आना चाहिए, 47, बिल्कुल सही है 47। चलो बनाओ, लो आ गई आपके पास में एक पज़ल, ठीक है, इसको भी अपन करेंगे, पहले फ़िलहाल जो कर सकते हैं उनको कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है लोगों को सोशल मीडिया की लत लग रही है, बिल्कुल लग रही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ना। रील्स का ज़माना ऐसा आ चुका है कि भाई साहब चलते चलते आपके 2 घंटे भी निकल सकते हैं, ठीक है, देखना दे ध्यान से। लोगों को सोशल मीडिया की लत लग रही है, सोशल मीडिया पर सक्रिय होना आनंददायक है, बिल्कुल आनंददायक है, उसमें क्या दिक्कत, तभी तो लत लगा रहे हैं भाई। लत कब लगेगी, जब वो उसमें आपको आनंद प्राप्ति होगी। दूसरा,
सोशल मीडिया इज बिकमिंग ईजियर टू एक्सेस, वो उनका अधिगम जो है उनको एक्सेस करना आसान होता जा रहा है। बिल्कुल सही बात, सोशल मीडिया के इतने सारे जो हैं दोस्तों प्लेटफॉर्म बन चुके हैं कि हर जगह कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति इंगेज्ड है, तो आसान है। चलिए नेक्स्ट, दोनों ही सही। चलो ये भी आपकी पजल है, दो पजल देखने को मिली हैं, ठीक है फटाफट से कर लो। सिलोज्म के भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं भाई इस पेपर में। तो सभी बकरियां गाय हैं, ऑल गोट्स आर काउ, ऑल काउ आर शिप, ऑल गोट्स आर काउ, ऑल काउ आर शिप, ऑल शिप आर गोट्स, सारी शिप गोट्स हैं, ऑल गोट्स आर शिप, ये सही है। आंसर क्या बनेगा तो सेकंड फॉलो, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, चार में से तीन किसी तरीके से संगत हैं, एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी तरीके से असंगत हैं, एक जैसे हैं और एक असंगत है, ठीक है। टांग, जीभ, आँखें और नाक, तो सीधी सी बात है टांग अलग हो गया ना, बाकी सब चेहरे पर ही होते हैं, जीभ, आँख और नाक, ठीक है। आँखें एक सेंस ऑर्गन है, जीभ भी सेंस ऑर्गन है, नोज भी सेंस ऑर्गन है, सेंस आता है इन सबसे, ये सेंस ऑर्गन नहीं है, टांग सेंस ऑर्गन नहीं है, ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा। चलो फटाफट से बताओ, अल्फ़ाबेट को ये लिखा हुआ है ALPHABET, अल्फ़ाबेट का कोड लिखा हुआ है YJNFYZCR, तो इसका कोड क्या लिखा होगा, किस शब्द को ये लिखा जाएगा। अच्छा इस बार आंसर दे दिए, आपको शब्द पूछ रहा है, ठीक है चेक कर लेते हैं। तो चलो चेक कर लो भाई साहब, ये -2 वाला सीक्वेंस लग रहा है यहाँ पर मुझे, तो है ना सभी के अंदर क्या लग रहा है -2, यानी कि अब ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी आपको ये जो है इसने -2 अगर करे तो ये आपका आंसर क्या बनेगा बताओ। देखो इधर ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन को ढंग से देख लेना, दो तरीके से प्रश्न आते हैं, प्रश्न दो तरीके से पूछता है, याद रख लेना क्या पूछा है। एक विशिष्ट कूट भाषा में अल्फाबेट को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में किस शब्द को, ध्यान से देख लेना। एक तो पूछता है कि इस शब्द के लिए कोड क्या लिखा, कोड क्या होगा, और एक ये पूछा उसने किस शब्द को ये लिखा जाएगा। ये ऑलरेडी लिखा जा चुका है, यानी तुम्हें आंसर दिया जा चुका है भाई साहब, ध्यान से देख लेना प्रश्न को, वहाँ आंखें खोल के प्रश्न को देख लेना, फिर पता लगा इसमें से ही -2 कर रहे हो तुम। मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोग वहाँ पे ध्यान से देख लेना, आप सीधा ये देखते हो अच्छा ये इसका कोड, ये इसका कोड, पहले वहाँ लाइन ढंग से पढ़ लेना, वहाँ लिखा होगा उसी कूट भाषा में, यहाँ लिखा है तो उसी कूट भाषा में किस शब्द को लिखा जाएगा, यानी ये ऑलरेडी लिखा जा चुका है, पर ये किस शब्द के लिए लिखा जाएगा, यानी कि आपको वो शब्द निकालना है, यानी क्वेश्चन बनाना है। आपको -2 करके ऑलरेडी दिया हुआ है इसका मतलब, आपको -2 करके इसका मतलब ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप ऊपर जाओगे तो +2 करोगे ना, तो R के बाद ST, C के बाद DE, B के बाद CD, G के बाद HI, M के बाद NO, S के बाद TU, Q के बाद RS, तो आंसर A बनेगा, है ना, ऑब्वियस ही बात है ऑलरेडी -2 करके दिया हुआ। लेकिन अगर मान लो आपने जल्दीबाजी में इसी में से -2 कर दिया, तो एग्जामिनर तो चाहता ही ये है कि बच्चे क्वेश्चन गलत करें भाई, एग्जामिनर तो चाहता ही ये है कि क्वेश्चन गलत करें बच्चे, अगर आपने इसमें से -2 कर दिया तो फिर आपका आंसर बनेगा PAZPAZE KQ और O, और देखो ये ऑप्शन भी आपको दे रखा है बताओ, ठीक है डी ऑप्शन भी आपको दे रखा है, बात समझ में आ रही है, डी ऑप्शन भी आपको दे रखा है। अब आप जल्दीबाजी में डी टिक कर दोगे, आपको तो पता ही नहीं चलेगा पहली बात, क्योंकि जिसके गलत होते हैं ना क्वेश्चन लैंग्वेज के हिसाब से, उनके लिए गलत बस इसलिए होते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली ये देखते हैं अच्छा इसका कोड ये इसका निकालना, पहले देख तो लो भाई साहब, ठीक है क्या आंसर बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट, ख़त्म, बहुत बढ़िया शानदार एक पेपर सेट आपने डिस्कस किया, और इसी तरीके से नेक्स्ट पेपर सेट भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों के लिए, ग्रुप डी के लिए डेडिकेटेड दोस्तों बूस्टर बैच आ रहा है, ठीक है ना, ग्रुप डी के लिए बूस्टर बैच आ रहा है जिसको आप Deepu10 कोड लगाकर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है इसको आप ज्वाइन कर लेंगे, 11 मई से स्टार्ट होने जा रहा है
और सीधा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर प्रोफाइल पर फॉलो कर लो आप तो मेरी, सीधा मेरी प्रोफाइल पर जाइए, आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। जाएंगे आप, लाइव हो चुका है बैच, आप जाकर चेक कर लें। साथ ही साथ डेली क्लास की PDF, होमवर्क के क्वेश्चन, लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लासेस, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी गाइस, ठीक है। t.me/DeepakSirReasoningOfficial के नाम से मिलेगा आपको। 8 बजे और 9 बजे धमाकेदार क्लास होगी, और अभी भी अपनी प्रीवियस ईयर पेपर के मॉक टेस्ट तो हम कर ही रहे हैं, एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। हिमांशु वासी, चलिए आ जाइए, देखिएगा इधर DEEPU10 DEEPU10 कोड लाकर आप लोग इसे ज्वाइन कर लेंगे, क्लियर है। प्रॉपर पर्सनल गाइडेंस, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि यार एक बार में ही मैं पूरा का पूरा कोर्स पढ़ लूँ, तो सफलता बैच के रूप में ऑलरेडी जो क्लासेस हैं, कंप्लीटेड बैच की क्लासेस हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी। अपकमिंग जो लाइव बैचेस की क्लासेस हैं वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप अपने डाउट्स भी आप एक्सेस कर सकते हो, क्लिक करके क्रॉप करके सबमिट कर दो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप अपने जितने भी डाउट्स हैं, जो भी किताब की कटिंग वगैरह भी आप लोग बेच सकते हो बुक की, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आइकॉनिक फीचर के अंदर दोस्तों आपको दो फीचर्स जो हैं उनमें पहली प्रायोरिटी मिलती है। पहला है रेज हैंड, जब ड्यूरिंग द लाइव क्लासेस आपकी चल रही होंगी तो आपके डाउट्स में पहली प्रायोरिटी आपको मिलेगी, और साथ ही साथ आप डाउट क्लियरिंग सेशंस या डाउट में जो आप भेजते हो उन पर भी आपको पहली प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है गाइस। तो आप DEEPU10 कोड लगाकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं बताऊँ यहाँ पर गाइस, है ना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप लोग फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि जैसे ही फॉलो करेंगे लिखा हुआ आएगा फॉलोइंग। बैचेस पे आप लोग क्लिक करेंगे, बैचेस पे क्लिक करने के बाद में आप सी ऑल पर जाएंगे। सी ऑल पर जाने के बाद में आपको जो बैचेस दिखेंगे उसके गेट सब्सक्रिप्शन पर आप लोग जाएंगे। क्या जाएंगे? गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद एड अ रेफरल कोड में आप DEEPU10 कोड ला के अप्लाई कर देंगे। जैसे ही अप्लाई करेंगे लिखा हुआ आएगा अवेसम DEEPU10 कोड अप्लाइड। पेमेंट आप किसी भी मोड से कर लीजिए जिससे आपकी इच्छा हो। क्लासेस आपको सारी ही मिलने वाली हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस एंड इंग्लिश, सभी की क्लासेस आपको DEEPU10 कोड लगाकर मिल जाएगी गाइस, ठीक है। चलिए, तो कोई भी इनअप्रोप्राइएट कंटेंट आप लोग देखते हैं तो इन्फॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, PDF का लिंक दोस्तों आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, एक और क्लास है अभी आपकी, एक और मॉक टेस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी लोग फटाफट से आ जाएं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे। सर पजल, अरे पजल रह गया यार, सॉरी यार, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन सबसे पहले पजल ही डिस्कस कर लेंगे, माइंड से निकल, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी नहीं, जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर ये जो पहले जो पजल बाकी है पजल्स वहीं पे कर लेंगे, टाइम हो गया, आ जाओ जल्दी, आ जाओ फटाफट से, ठीक है गाइस।